ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 114। आज की मुरली का विषय है याद की सहज विधि। याद की सहज विधि। बाबा ने ये मुरली चलाई थी 4 जुलाई 1971। यहां सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है, मतलब आपकी अवस्था क्या है, किस स्टेज की स्थिति में स्थित हैं? इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है वा सिंगल है? डबल याद है वा सिंगल है? इस समय की स्टेज को कर्मातीत वा फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे, जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठाओ। अव्यक्त स्थिति के अलावा और कोई स्टेज है तो वो हाथ उठाओ। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह के कर्म कर सकती हो? बच्चों ने जवाब दिया नहीं। अभी जो लिख रही हो वे भी तो कर्म है ना, तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वो कौन कहती है, बच्चे कह रहे बाबा कह रहे, अब तो हम बाबा के सामने बैठे हैं ना। अगर सदैव समझो कि बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। वे लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख कर जाते हैं तो ये अटेंशन ही इनों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना, तो ऐसे साथी रहने से वा बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। क्या समझ में आया इस लाइन से? बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए।
क्या करना है हमें? फिर से देखो, तो ऐसे साथी रहने से वा बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। बुद्धि से बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं तो सदा सत्संग, और बुद्धि में परिवार याद है, फैमिली याद है। हर सेकंड हर कदम में सत के संग तो होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी, याद सहज रहेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पावरफुल संग होने के कारण, क्योंकि संग पावरफुल है, पावरफुल संग होने के कारण कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। कर्तव्य में क्या रहेगा? डबल शक्ति रहेगी। डबल फोर्स होने कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा। वही काम क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी समय में एक कर्तव्य की बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकते। डबल फोर्स कैसे हो गया? एक बाबा हो गया, एक मैं हो गया। एक आप कर ही रहे हो, एक बाबा साथ ही बना लिया, बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि भटकनी बंद हो गई, व्यर्थ बच गया और बाबा की श्रीमत पर काम सहज हो गया। तो एक कर्तव्य की बजाय दो कर्तव्य, एक सहज याद और दूसरी सफलता। जो भी कार्य किया उसमें सफलता मिल गई और याद भी हो गया, याद भी हो गया। हम जो भी काम कर रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं तो हमें बाबा भी याद है और हमारे काम भी सफल। दो काम एक साथ हुए, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए स्पेशल कोई बैठने की जरूरत नहीं। तीसरा, सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति हो। तीसरा क्या होगा? आप जो भी काम करेंगे आपको उमंग उल्लास है। किसके लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने, हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बाबा ने कर्म अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने की क्या दिया है? कलम दी। तो बाबा की श्री मत पर काम करते हुए उमंग उल्लास रहेगा, और जब कोई काम उमंग उल्लास से किया जाता है तो सहयोगी भी बहुत बढ़। मुझे यहाँ छोटी कहानी शॉर्ट में याद आती है। एक होता है, काम नहीं करने का दिल होता, काम चोर होता है, तो मतलब मदर भी सौतेली माँ है, उसके पास रह रहा है वो बच्चा और काम चोर है। तो अब उसकी माँ कहती है कि आज तुमने खेलने नहीं जाना, तुमने आज दीवार को सफेदी करनी है। बेचारे का मूड ऑफ हो जाता है, छुट्टी का दिन है, सारे खेलने जाएंगे। वो सवेरे सवेरे सबसे पहले उठ करके, सब खेलने का प्रोग्राम था जाने का, तो सवेरे जल्दी उठ करके फटाफट सफेदी करना लेके सामान बैठ जाता है और देखता है ना दोस्त आ रहे हैं, बड़े मजे से सफेदी करना शुरू कर देता है। और वो कहते हैं भाई, सुनते ही नहीं उनकी बात, खेलने नहीं चलना, कोई उनकी बात नहीं सुनता, आज खेलने नहीं, मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है, मतलब वो कहते हैं मजा आ रहा है।
तो वो कहते मेरे को थोड़ी देर करने दे, कहते हम जब काम खत्म होगा ना तब चलूंगा, खेल बाद में पहले काम। तो हाँ वो एक एक जो पहले एक आया था उसको वो कहता है ना मेरे को थोड़ा सा करने दे, नहीं नहीं मम्मी मारेगी, कहता है नहीं नहीं थोड़ा सा करने दे, अच्छा मैं तेरे को ये चीज देता हूँ तू करने दे। उनसे चीज लेके वो खाने बैठ गया और वो करने लगा। दूसरा आया, तीसरा आया, बोले क्या कर रहे हो, बोले मजा आ रहा है। वो भी कहता है मजा आ रहा है, थोड़ा सा मुझे भी करने दो। उन सबसे चीजें भी ले ली, काम भी करवा लिया, मतलब उमंग उत्साह को देख कर काम सारे सहयोगी बने। हाँ बिल्कुल, उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बाबा के संग में रहने वाले बनो, और बाबा के संग में रहने की सहज विधि है कि बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ के, बस जहां बाबा की श्रीमत की उंगली को छोड़ा वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो कि सदैव सत्य का संग रखो, तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना है, दूसरों को तो बताते हो, तो ये निरंतर आपको भी अभ्यास करना है, करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे कहां ठहरे, ये सब खत्म। हमने काम ही बाबा की श्रीमत पर करना है, तो बाबा याद है तब तो उसकी श्रीमत पर काम कर रहे, कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि होना माना सफलता प्राप्त होना, सिद्धि का मतलब ही है सफलता, सफल हो गया, पास हो गया, अनुभवी होना जी। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो, चाहे शिव बाबा तो चाहे ब्रह्मा बाबा, परंतु ये याद रखना है बाबा की सत्य का संग हो, बाबा की श्रीमत पर ही हम काम कर रहे हों, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, उसकी श्रीमत ही सत्य है। बस साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना, ब्रह्मा बाबा भी सारे कल्प में, और जिनके जिन आत्माओं के साथ उसका पार्ट है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, 84 जन्म है, जो जो आत्माएं हर कल्प उनके संपर्क में आती हैं वो आएंगी ना। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी, बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना, और किसी का कहना बुद्धि में धारण नहीं, और किसी की बात सुननी नहीं है। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वे पक्का होना, अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे, फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो, अगर एक के साथ सारे रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं, सहज भी है और सदा फरिश्ते हैं, एक से रिश्ता रखो, और कोई रिश्तेदार है ही नहीं, बाकी सब अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने वाले, चाहे कोई भी रिश्ते में आए। और है भी क्या, जहां बुद्धि जाए अभी कुछ रहा है क्या, सर्व संबंध व सर्व रिश्ते सर्व रास्ते ब्लॉक बंद है, रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि योग भागेगी, बुद्धि क्या होगी,
कभी उसका कहना मान लेते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कहता है, गूगल ठीक कहता है, वो ठीक कहता है, एक बाबा का कहना मानना। जब सभी रिश्ते भी खत्म, सारे रास्ते भी बंद, फिर कहां जाएगी फिर? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तब बनेंगे फरिश्ता। कैसी कैसी बातें करते हैं। कितनी अच्छी लाइन दी है बाबा ने, एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो बनेंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, कहीं और रास्ते निकलते हो, मामा चाचा काका ताया फूफा, जरा भी खुला हुआ होगा कोई और रास्ता तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं, तो माया भी आएगी नहीं, सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। यहां भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है, उधर देखे क्या है। अब ब्लॉक कैसे करेंगे, सारे रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते हैं। वो कौन सी युक्ति होगी, रोज मुरली में भी सुनते हो, रोजाना सुनते हो मुरली में, याद है, पूछ रहे, विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है। एक ही चित्र है, अब बताओ, जिसमें बाप दादा और वर्षा तीनों आ जाते, एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर वे चित्र सदैव सामने रखो, पहली पूछी पूरी तरह पूछता है बाबा, अगर वे चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र वा लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अभी बाबा पहली पूछ रहे हैं, पहली पूछ रहे हैं, पहली तो पहली है ना, ताकि क्यूरियोसिटी तो बड़ी रहे ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। ये सहज युक्ति और निशानी भी दी है, ये सहज युक्ति और निशानी भी दी है, दी हुई है। ये तो रोज मुरली में सुनते हो, कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये युक्ति ना। पहली बहुत अच्छी है ना, कितना, ये बहुत सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि ये चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वे भी कर सकते हैं। भले बैज लगाते हो लेकिन बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती, सारे ज्ञान का सार, सारे ज्ञान का सार भी इसी एक चित्र में समाया हुआ है।
रचयिता और रचना के ज्ञान से ये प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। तो मेहनत क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी, मूंछो नहीं। किसको कहें, क्या याद करें? पता नहीं ये याद होती है वा नहीं। जानबूझकर अपने को मुझाते हो। याद क्या है बाबा? आप पूछ रहे हैं, आप बताओ याद क्या है? बाप की याद वा बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद वा बाप के गुणों द्वारा, बाप की याद। कैसे लिया इन्होंने? मतलब आज बाबा याद शब्द को सहज कर रहे हैं ना, क्योंकि याद ही सबसे बड़ा टफ था सारी दुनिया के लिए। बाप की याद एक है, बाप की याद वा बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, मतलब बाप ने जो कर्म किए उनसे बाबा की याद, वा बाप के गुणों द्वारा बाप की याद। और ज्ञान गुणों का सागर है, तो वे याद हुई ना। रूप की याद हो वा नाम की वा गुण वा कर्तव्य की, याद तो एक ही हुई ना। चाहे नाम की याद हो, चाहे गुणों की याद हो, चाहे कर्तव्यों की याद हो, याद तो एक की हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते, फोर्स नहीं आता। याद करना मुश्किल है, मुश्किल है, इसलिए शक्ति नहीं आती। बताएगा, कोर्स में ही रह जाते हैं, कोर्स में ही रह जाते हो, उनको सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप को ही समझ लिया, तो फिर उसको याद करने लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? एक माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है तो उसे सारा दिन कुछ और सूझता है, वो तो सारा दिन उसी के लिए सोचती रहती। ईशा कहते मेरे हाथों में दर्द होता था, मैं कोई काम नहीं करती थी, अब इसको झुला झुला के दर्द भी ठीक हो गया। ठीक है कि नहीं? मतलब कहने का यह है कि बच्चे के पीछे प्यार है ना, उससे दर्द बेचारा थक गया कि भैया मैं नहीं आता अब तेरे पास, दर्द ठीक हो गया। तो हमें समझने वाली बात है, बाबा कहते कि उसको मुश्किल करते हो तो मुश्किल हो जाता है। अब जिससे प्यार होता है उसे याद करने के लिए बताओ कोई प्लान बनाना पड़ता है? कोई प्लान नहीं बनाना पड़ता। सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देते हैं? और कहा अब तक भी रास्ता खुला हुआ है, अभी तक भी रास्ता खुला हुआ है कि कोई ना कोई और है। मतलब एक एक के साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, फिर कोई और रिश्तेदार क्यों रखा हुआ है? फिर और कोई रिश्तेदार का रास्ता रखा हुआ है ना कहीं ना कहीं, कि माँ का तो कहना मानू, पापा का तो कहना मानू, इसी और का। मतलब एक भी यदि रास्ता है छोटा बड़ा तो भी रास्ता तो खुला हुआ है ना, तो योग कठिन हो जाएगा, तो याद करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। कोई फायदा नहीं, इतने घंटे बैठे रहे बाबा की तो याद हुई नहीं, क्योंकि झमेले याद आते रहे वो, क्योंकि सारे रास्ते है ना, बता नहीं। कैसे बता देंगे?
आसान काम तो है ना, तो वरना तो सारा वो खत्म हो जाएगा, क्योस्ती खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें थक जाते, योग लगता नहीं, घंटा घंटा बैठे रहे, फिर कहते योग नहीं लगा, मैक्सिमम कम्प्लीट, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हैं और कठिन कर लेते हैं अपने लिए। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद, मेरा सिवाय शिव बाबा के और कोई, सारे मर गए, सारे के सारे बुद्धि से क्या करो, मार। जब तक नहीं मारेंगे तब तक बाप के साथ संबंध याद पक्की नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है कि उन सब रिश्तों को केवल बुद्धि से खत्म करना, अब वो आत्मा है बस, वो भी अपना हिसाब किताब बराबर कर। जैसे गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऐलान करती है ना, ये बंद करो, नोट बंद, बस नोट बंद हो जाते, उन नोटों को सारे क्या हो जाते, कागज के टुकड़े। तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले सभी रास्ते बंद करो, सभी रास्ते बंद, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, फिर कोई आपको मुश्किल नहीं रहेगी, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। ये अटेंशन रखना मुश्किल है या सहज, ये अटेंशन रखना कि अब मेरा एक शिव बाबा है, मैंने उसकी श्रीमत पर चलना है और किसी की बात सुननी नहीं, जो बाबा कहेगा मुझे वही करना है। मुश्किल है या सहज है बताओ आप? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर ये अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बात सिखाई जाती है तो वो सहज स्मृति में रहती है, बच्चे को जो, क्योंकि उसने माँ का कहना माना है, खत्म बात, जो माँ ने कह दिया सिर मत है, फिर टीचर का कहना माना है तो सिर मत है, एक का ही कहना माना है ना। और जब उसके सामने ढेर सारे आ जाए कि वो तो ऐसे कहते, वो तो ऐसे कहते, वो तो ऐसे कहते, वही मामला गड़बड़ हो गया। जितना बड़ा होता बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता, इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही ये अटेंशन रखने का अभ्यास किया है उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। तो बच्चे है ना, वो आ गए तो उन्होंने सिर्फ बाबा का ही कहना मानना शुरू कर दिया तो दूसरे को सुनते नहीं। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं तो उन्हों को अब भी मुश्किल। अब तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूं, बाप के साथ हूं। ये समझने से ये बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी, जितना ये स्मृति में रहेगा तो उसे उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा, फिर कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग नहीं समझो, सदैव समझो बाप का साथ भी है, बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। समझो, ये कब समझ सकते हैं? जब बाबा का कहना मान रहे हैं। जैसे ही बाबा का कहना नहीं माना, किसी और का कहना माना, बाप हाथ छुड़ा के दूर जाके बैठ, मान ले पकड़ उसके ऊपर, जा जा, तू माँ का कहना मानता है ना, जा अपनी माँ के पास। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति कैसी होती है?
बच्चा कैसे बेफिकर बेफिकर निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। अब बहुत सारे भाई बहन कहते बाबा हमारे साथ है, सब काम सही हो जाएंगे, करते अपनी मर्जी का, तो बाबा कैसे साथ है? फिर काम खराब हो गया तो बाबा ने काम, बाबा की श्री मत पर आप काम कर रहे हो तो बाबा साथ है। जहां बाबा की श्री मत को छोड़ा तो वहां अर्थात जीवन उनके हवाले, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही ना होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ किसको दे दिए सारे? कैसे देंगे बोझ बाबा को? हाँ जी, अब कोई मुसीबत आई है, बाबा संभाल इसको, क्या करेगा बाबा? संभालेगा उसको? सॉल्यूशन करो, बाबा की श्री मत पर ही उसका सॉल्यूशन करो, बस अपने आप यह होगा। चाहे उसमें घाटा हो चाहे उसमें फायदा हो, उसी में ही हमारा कल्याण। ये नहीं समझना बाबा का कहना माना सच बोल दिया इसलिए घाटा हो, झूठ बोल देता तो मजे आ जाते, मजे तो आ जाते थोड़ी देर के लिए, परंतु उसके भुगतना तो पड़ता। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। ये तो सहज है ना, फिर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही। दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकती। अगर साकार स्नेही बन जाते हैं हो तो भी और सभी से बुद्धि योग टूट जाएगा। सभी से क्या टूट जाएगा? बुद्धि योग टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है, साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेही भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ दे। साकार से स्नेह है तो भी सर्व स्नेह से सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा, साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता, इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं वैसे आप याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल, सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए, हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी ना बने और फिर मुश्किल कहा तो एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। तो क्या भी जो दिखाते हैं कमेंट्री सुनो पर जाओ, अब किसी को हो ही नहीं रहा तो कठिन हो गया उनके लिए, मुसीबत हो गई, माथा उनका भारी हो गया। या बहुत सारे कहते हैं हमारा योग तो बहुत अच्छा लगता है, क्या करते हो? बस बाबा रूम में बैठ जाते, बाबा सतयोग। आप दो दिन तक बैठे रहो बाबा रूम में,
योग थोड़ा लग जाएगा। योग तो तभी लगेगा जब बाबा का बुद्ध ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उस मनन चिंतन करने पर अपने जीवन में लागू करेंगे। बाकी बैठना तो कोई योग है ही नहीं, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो फिर योग क्या बन गया? मुश्किल बन गया। बाबा का कहना मानो तो सहज योगी, सहज योगी बनना है। यथार्थ याद है निरंतर सहज योग। आधा घंटा याद करने वाले नहीं, एक घंटा याद करने वाले नहीं, निरंतर याद करने वाले सहज योगी। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ, अपनी स्टेज को क्या करो, पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, क्या याद रखें, हम स्टेज पर हैं सिर्फ समय, प्रति समय इस योग की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। उतरती कला अब समाप्त हुई ना, उतरती कला अब समाप्त हुई ना, वह अभी भी है, तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना, तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद हो। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आ गई। जो भी काम कर रहे हो तो किसका काम कर रहे हो, यज्ञ का काम कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, तो कौन याद आ गया, बाबा याद है। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूं, वह यज्ञ कारोबार पर हूं। एक होता है डायरेक्ट विकर्म, विनाश की स्टेज में स्थित हो, डायरेक्ट विकर्म विनाश, डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों का विनाश करना, फुल फोर्स से विकर्मों का विनाश करना। ये समझ में आया? एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को विनाश करना, और दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वे जो शक्तियां जमा होती हैं तो उनसे वे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब एकदम बैठ करके सोचना कि ये पाप कर्म है जो मैं करता आया हूं, डायरेक्ट सीधा उसको फुल फोर्स के साथ कि आज के बाद ये विकर्म नहीं हो, ये पाप कर्म है, ये विकर्म है, ये मैं आज के बाद नहीं करूंगा। एक तो है तरीका ये। दूसरा तरीका है कि जैसे जैसे आप ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, संकल्प चलाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो तो शक्तियां क्या होंगी, जमा होती हैं, तो उनसे वे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आदत बदल जाएगी। बुद्धि में ये भरने से पहले वाला स्वयं ही, बुद्धि से पहले वाला, बुद्धि में ये भरने से बे पहले वाला स्वयं ही निकल जाए।
बुद्धि में भरेंगे ना तो विकार खत्म हो जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। बाल्टी में किचड़ा पड़ा है, ऊपर से टूटी खोल दो तो किचड़ा निकल जाए। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा, वेस्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा, दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। हाँ, फिर भर दिया, फिर जो स्टेज मतलब आज से ये काम नहीं, आज से ये काम करना, ये हो गया पिछला खत्म, दूसरा शुरू। फिर जो स्टेज चाहते हो वे नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना, भरते जाओ तो वे स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, ये स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहां जाएगी। यज्ञ कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना, उसके भी नंबर मिलेंगे। रास्ते ब्लॉक करने, रास्ते को तो ब्लॉक करना है। नहीं, वो तो चित्र था कि मैं पहला पहला लक्ष्मी नारायण वाला के उसमें बाबा भी है और वर्षा भी है। हाँ, लक्ष्मी नारायण मध्याजी बाबा को मतलब वही है, मतलब बाबा और वर्षा दोनों उसमें आ जाते हैं। तो दोनों याद रहे कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे तब जब सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे। कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है, फिर भी पास विद ऑनर्स में वे 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य ये रखना चाहिए कि ये ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है। तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचता की स्मृति आएगी, और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूं लेकिन बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो? बिना बैकबोन के आप कोई भी कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। मेरे बिना आप कोई सफलता प्राप्त, हाँ, कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे, करण करावन हार, शिव बाबा। भक्ति मार्ग में शब्द करते करण करावन हार वो है, लेकिन वे दूसरे अर्थ से कहते। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार तो है ना, कराने वाला बाप है और करने वाला मैं निमित्त आत्मा हूं। अगर ये स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई तो हो गई ना, निरंतर योगी नहीं हुए। आप हर काम बाबा की श्रीमत पर कर रहे हो, बाबा को हर वक्त याद कर रहे हो, आपको कुछ कहीं बैठने की जरूरत नहीं। चलते फिरते कोई भी काम करते बाबा की उंगली पकड़ रखी है, बाबा ने जैसे कहा करने के लिए वैसे करते हो
तो बाबा आपको याद। फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव होगा जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं, तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी ये पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूं, खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं, तो सहज योगी हुआ ना। तो आप अपने पार्ट को कैसे देखेंगे? साक्षी होकर देखेंगे कि मैं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूं ना, तो कौन याद है? बाबा याद। और आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो बाबा याद नहीं है। याद को भी सहज करो। जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का कोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन कोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे, चेंज करना पड़ेगा, जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज योगी हैं। सभी क्या हैं? सहज योगी हैं। हाथ ना करो, हाथ ना करो। 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते ये एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? एक तो सहज, दूसरा स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इनको कहते भी सहज योग हो ना। सबको बताते ना, हम तो सहज योग सिखाते हैं। कठिन योग तो नहीं है ये, सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। तो अब यहां सहज योगी होंगे तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में सहज क्या करेंगे? राज्य करेंगे। और वहां भी कोई मुश्किलात नहीं होगी, यहां के संस्कार ही तो वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे? देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, ये विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो, जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वे मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही परिस्ता कहते हैं। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।